इस क्वेश्चन में पूछा गया थ्री कार्ट मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक विद इनर्शिया एंड वेलोसिटी एज शोन, कार्ट कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर आफ्टर सक्सेसिव कोलिजन, फाइंड लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हेन बी एंड सी स्टिक टुगेदर। आप देखिए ये इधर जा रहा है वन की स्पीड से, ये इधर आ रहा है टू की स्पीड से, तो ऑब्वियस है रिलेटिव वेलोसिटी इनकी तीन हो गई है, इनकी तो जीरो ही है, तो पहले बी और सी कोलाइड करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो द मोमेंट ये जैसे कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे बी वाले को बना लीजिए पहले, बी और सी को स्टिक कर दीजिए एक साथ। अब आप देखिए इसका मोमेंटम राइट साइड में कितना है, मास इंटू में वेलोसिटी करिए तो वन इंटू में वन, इसका मोमेंटम इस तरफ कितना है टू इंटू में टू, फोर हो गया, यही जीतेगा। चार का मोमेंटम, इसका एक का मोमेंटम। अब देखिए जब ये स्टिक कर जाएगा, इधर चार का मोमेंटम है इधर एक का मोमेंटम है, तो बचेगा कितना, तीन का मोमेंटम बचेगा यहाँ पे, तो तीन का मोमेंटम है, दैट इज इक्वल्स टू इनका मास कितना हो जाएगा कंबाइन, मास दिया वन के जी एंड टू के जी, इनको ऐड करने के बाद ये थ्री के जी का हो जाएगा कंबाइंड सिस्टम, और इसका मोमेंटम इतना है, इनका वेलोसिटी कितना आ रहा है, वी इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड आ रहा है इस साइड में। अब ये पूछ रहा है फाइंड द लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हेन बी एंड सी स्टिक टुगेदर। तो देखिए कोलिजन होने से पहले, हम ए पार्ट की बात करते हैं, कोलिजन होने से पहले बी और सी की अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऐड करें तो आती है हाफ, मास किसका बी का वन हो गया, वन का स्क्वायर प्लस हाफ, सी का टू हो गया इंटू में टू का स्क्वायर, तो आप ये देखोगे कितना आ गया हाफ प्लस फोर, तो ये नाइन बाई टू आ गया जूल्स में। और फाइनली कितना हो जाएगा जब ये थ्री के जी का सिस्टम वन की स्पीड से चलेगा, तो हाफ मास थ्री है और वेलोसिटी इतना हो गया, तो ये थ्री बाई टू हो गया। लॉस कितना हो जाएगा, लॉस के इनिशियल में से के फाइनल माइनस कर दीजिए, तो नाइन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, साढ़े चार और डेढ़ माइनस कर दीजिए, 4.5 माइनस 1.5, तो ये तीन आ रहा है आंसर। थ्री जूल किसमें किसमें, थ्री जूल इसमें है और इसमें है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट वाला पार्ट चेक करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय ए व्हेन इट स्टिक टू कंबाइंड मास। तो आप देखो ए वाला जो था, ए वाला हमारा कितनी स्पीड से आ रहा था, ए वाला आ रहा था इसका मास है 2 kg और ये इधर 1 m/s से आ रहा था, तो इधर का मोमेंटम दो हो गया, इधर का मोमेंटम इसका तीन हो गया, ऑब्वियस यही जीतेगा, थ्री माइनस टू कर दीजिए तो मोमेंटम बचेगा कितना, थ्री माइनस टू वन, और टोटल मास कितना हो जाएगा, मास सारे ऐड कर दीजिए टू टू, ये फाइव, फाइव इंटू में वी, तो वी कितना आ जाएगा, वन बाय फाइव आ जाएगा वी। तो यहाँ पे हम इम्पल्स चेक कर लेंगे, इम्पल्स कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए ए के लिए, तो ए का कितना आएगा फाइनल मोमेंटम, मास टू है, वेलोसिटी वन बाय फाइव है, लेकिन वेलोसिटी आप देखोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो आप इसको प्लस में ही ले लीजिएगा। और इनिशियली कितना था, इनिशियली वन इंटू में टू, तो ये 12/5 आ गया। इसका आंसर दोनों पार्ट चेक करेंगे तो आंसर इज ए,